स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनवाए गए सामुदायिक शौचालयों का संचालन महिलाओं के हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद के 1294 ग्राम पंचायतों में से 1244 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार है और उन्हें गाँव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं या निर्धन महिलाओं को सौंपा जा रहा है, जिससे उनका भरण पोषण सुनिश्चित हो सके। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि अब तक 300 शौचालयों के संचालन का दायित्व महिलाओं के हाथों सुपुर्द कर दिया गया है, जिन्हें ग्राम पंचायत निधि से 6000 रुपए महीने का मानदेय तथा 3000 रुपए महीना उनके मेंटेनेंस के लिए दिया जाएगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ महिला शक्तिशाली भी बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। हाँ, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले साल पंचायती राज विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक एक सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया गया था। अभी गोरखपुर में कुल 1294 ग्राम पंचायत में से 1244 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा हो गया, बाकी 50 शौचालय में मतलब ग्राम पंचायतों में कुछ जगह की कमी है, इस वजह से वो पूर्ण नहीं हो पाया है। तो इन 1244 सभी बन करके तैयार थे, सभी काफ़ी अच्छे बने थे, पर दिक्कत ये हो रही थी कि सभी अच्छे से जो यूज़ में नहीं थे, किसी वजह से उसका ताला बंद था या जो भी था। तो जब हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे थे तो हमें ज़्यादातर जगह ताला बंद मिल रहा था या बाकी जगह भी शासन को भी ये सूचना थी, तो शासन के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने एक इनिशिएटिव आरम्भ किया कि जितने भी सामुदायिक शौचालय सबको स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, यदि वो मिल रही हैं जिस गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं तो उस गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, अगर यदि नहीं है तो किसी भी गरीब महिला जो अच्छी काम कर काजकाजी की महिला हो उसको ये सुपुर्द करके जो सामुदायिक शौचालय को खोल दिया जाए, खोल करके आम जनता के लिए जो के प्रयोग के लिए इसे किया जाए, उपयोग किया जाए। तो इसी के तहत जो है परसों से ये अभियान आरंभ हुआ है और ये एक हफ्ते का अभियान है। इसके अंतर्गत हम लोग सभी ग्राम पंचायतों के जितने भी सामुदायिक शौचालय हैं सबको किसी न किसी महिला समूह को या किसी महिला को हैंड ओवर करके उसके बाद इसे आम जनता के प्रयोग के लिए खोल देंगे। अभी तक पिछले दो दिनों में 300 सामुदायिक शौचालय हम लोगों ने आम जनता के प्रयोग के लिए खोला है। कल थोड़ी बारिश थी इसलिए थोड़ा स्लो हो गया, पर आज और ज़्यादा जो है सामुदायिक शौचालयों को प्रयोग के लिए खोला जाएगा। इसमें जो महिलाएँ कार्य करेंगी उसको 6000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय जो है ग्राम निधि एक के खाते से ग्राम पंचायत और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से मिलेगा। इसके अलावा जो अधिकतम 3000 की धनराशि हारपिक या बाकी जो मेंटेनेंस की चीज़ें होती है लाइक वाइपर होता है और झाड़ू होता है, इसके लिए 3000 तक की धनराशि दी गई है। तो जो भी धनराशि है, साथ में हम लोगों ने ये भी चलाया है कि उनको एक महीने का कम से कम एडवांस में पेमेंट मिल जाए सभी महिलाओं को, इससे महिलाएँ जो आत्मनिर्भर भी बनेंगी और ग्रामीण इस कोरोना काल में जो गाँव की जो महिलाएँ हैं उन सबको रोजगार भी मिलेगा, जिससे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इसको समझा जा सकता है। ये निर्भर करता है, देखिए अगर गांव के अंदर है तो ये निःशुल्क है, पर अगर कहीं कोई मार्केट प्लेस पर है जहां पर कि लोग पे कर सकते हैं तो उस जगह पे उनको कुछ एक रुपया या दो रुपया, चाहे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के विवेक पर है, ग्राम पंचायत निर्णय लेकर के इसे उसका कुछ धन, इस तरह से ग्राम पंचायत कुछ धन का अर्जन भी हो जाएगा, उससे ग्राम पंचायत के विकास के लिए कुछ धनराशि भी खर्च कर सकते हैं, तो वो चाहे तो शुल्क लगा सकते हैं।